हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि परसों के दिन जो है वो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है जो कि अनाउंस हुए थे, जो कि दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स के अवार्ड है जो कि माने जाते हैं। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं कि इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि कब ये स्टार्ट हुए थे, जिनको अवार्ड मिला है दोस्तों इनको क्यों अवार्ड मिला है और किस कैटेगरी के अंदर अवार्ड दिए जाते हैं और किस कैटेगरी के अंदर किस किस को ये अवार्ड है जो कि मिले हैं। तो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, मात्र 10 मिनट के अंदर आपको एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है जो कि यहां से आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के बारे में, तो इस बार जो है दोस्तों ये कहां पे बर्लिन 2020 के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया। अगर आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर, जैसे कि अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाह रहे हैं, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, और कोई यूजीसी का एग्जाम है या फिर कोई पीसीएस का एग्जाम है, तो आप रेफरल कोड BHU NESH बुनेस्टेन यूज कर सकते हैं 10% ऑफ, और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी। समझ गए, मेरा कोर्स चल रहा है SSC CGL CHSL का 6 मंथ का दोस्तों। आपको मात्र 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है जिसमें आप पूरी करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हैं बुनेस्टेन यूज करके। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में, जो कि क्या एक एनुअल अवार्ड है दोस्तों, और ये किसी इंडिविजुअल को भी दिया जाता है और साथ में जो है वो किसी टीम को भी दिया जाता है जो कि जिनका अचीवमेंट पिछले एक साल के अंदर काफी जबरदस्त होता है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1999 के अंदर दोस्तों। किसके लिए ये किया गया था? गुड फाउंडेशन के द्वारा, स्पोर्ट फॉर गुड फाउंडेशन। इसके अंदर जो फाउंडिंग पैट्रॉन्स थे वो एक डैमलर करके थे, साथ में इसको पार्टनरशिप करी मर्सिडीज बेंज के द्वारा, और भी कई कंपनियां थी जिन्होंने इसके अंदर क्या किया था, अपना इनपुट दिया था और क्या किया था, फंड है जो कि इनको अवेलेबल करवाया था। यहां पे दोस्तों 6 कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट है वो शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं, जैसे कि एक तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, एक स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, टीम ऑफ द ईयर, ब्रेक थ्रू, कमबैक और एक्शन। ब्रेक थ्रू, कमबैक और एक्शन, ये 3 कैटेगरी थोड़ी सी बच्चों को पता नहीं चलती इसके अंदर कौन सा आंसर होगा क्या होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 6 की 6 कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेजरली जो क्वेश्चन आता है वो स्पोर्ट्स वुमेन और स्पोर्ट्समैन वाला ही आता है, लेकिन 6 कैटेगरी इसके अंदर इस अवार्ड को अनाउंसमेंट किया जाता है। इसके अंदर जो वोटिंग होती है ना वो जनता वोट नहीं करती है, दुनिया के 1000 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स मीडिया के जो लोग होते हैं, 70 देशों से भी ज्यादा, वो लोग इसके अंदर वोट करके जो है विनर है जो कि घोषित करते हैं। ठीक है, जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होते हैं वो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के जो है डिसेबिलिटी वाला भी एक अवार्ड है जो कि दिया जाता है, और वो जो है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी के द्वारा जो है वो अवार्ड का अनाउंसमेंट किया जाता है। जो कैंडिडेट होते हैं ना शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, वो कौन देती है? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी देती है। किसका? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर विद अ डिसेबिलिटी, ये वाला जो अवार्ड होता है उसके लिए। समझ गए मेरी बात? चलिए अगर यहां पे बात करें दोस्तों, यहां पे लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स एकेडमी की दोस्तों, तो ये एक यूनिक ग्रुप है स्पोर्टिंग लेजेंड्स का, वो वोट करते हैं हर एक कैटेगरी के अंदर, और साथ में जो है यहां पे कुछ और भी इनके पास में डिस्क्रिशनरी अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि लॉरेंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो भी यहां पे अवार्ड दिया जाता है। जैसे कि इस बार का जो दिया गया है वो 20 साल के अंदर जो स्पोर्टिंग मूवमेंट है ना उसको लेकर भी ये अवार्ड है जो कि दिया गया है, जो कि इस बार सचिन तेंदुलकर को मिला है दोस्तों। तो यानी कि कुछ पावर्स होती है, कुछ और भी अवार्ड है जो कि वो अनाउंस कर सकते हैं। यहां पे देख सकते हो ग्लोबल पब्लिक वोट जो है वो डिटरमाइन करते हैं विनर ऑफ द लॉरेंस स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी कि जो सचिन वाला जो अवार्ड हुआ है वो पब्लिक वोटिंग के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको स्पोर्ट्स मीडिया वाले जो 1000 लोग बताया ना वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल पब्लिक वोट होता है तब जो है इस अवार्ड का विनर घोषित किया जाता है। एक ऐसी कोई इंस्पिरेशन वाली स्टोरी जो कि स्पोर्ट्स में काफी इंस्पायर करती है, लोगों को एकजुट करती है, तब ये अवार्ड है जो कि दिया जाता है। अब यहां पे हम अवार्ड के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर की बात करें तो यहां पे किपचोगे भी थे इसके अंदर, साथ में बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन जैसे कि हैमिल्टन हुए, मैसी हुए, यहां पे मार्क हुए, टाइगर वुड्स हुए, राफेल नडाल हुए, तो ये दुनिया के बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के अंदर शॉर्टलिस्ट करे गए। अवार्ड किसने जीता है दोस्तों? यहां पे विनर रहे लुइस हैमिल्टन और मैसी। यहां पे हैमिल्टन आपको मालूम है मोटर रेसिंग के प्लेयर है, और मैसी जो है एक जबरदस्त प्लेयर है अर्जेंटीना के, और हैमिल्टन जो है वो यूके से बिलोंग करते हैं दोस्तों। ठीक है गाइज,
स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला है लुइस हैमिल्टन को दोस्तों, ये वर्ल्ड के 6 बार के फॉर्मूला 1 चैंपियन रह चुके हैं, ठीक है। और अब तक फॉर्मूला 1 की एंटायर अगर मैं हिस्ट्री में बात करूं तो माइकल शुमाकर के बाद में दूसरे नंबर के ऊपर है ये, अगर सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने की बात की जाए तो। और मर्सिडीज जो है वो गाड़ी ड्राइव करते हैं, 21 में से 11 जो ग्रैंड प्रिक्स है वो पिछली बार ये जीत चुके हैं दोस्तों, और मात्र 7 चैंपियनशिप भी है पीछे है जो कि माइकल शुमाकर से। फिर बात करें हम मैसी की दोस्तों, तो मैसी फीफा वर्ल्ड स्पोर्ट्स फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का बैलन डी विनर रह चुके हैं 6 बार दोस्तों, और 600वां गोल है जो कि बार्सिलोना की तरफ से अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले इन्होंने किया था। 18-19 के अंदर भी 36 गोल है जो कि इन्होंने करे हैं दोस्तों। इसके अलावा टॉप स्कोरर है ला लीगा के अंदर 6ठी टाइम, और 40 गोल करे, 11वीं बार इन्होंने 40 गोल है जो कि एक साल के अंदर करे हैं, तो काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है पिछले साल भी और थ्रू आउट द करियर, इसीलिए इन दोनों को इस अवार्ड से नवाजा गया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड, तो यहां पे आप देखोगे कि काफी बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स वुमेन थी, लेकिन यहां पे जीता किसने, सिमोन बाइल्स ने, जिमनास्टिक है दोस्तों यूएसए की, आप देख सकते हैं मात्र 22 साल की है और 5 गोल्ड मेडल है जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर जीत चुकी है, और रिकॉर्ड भी इन्होंने दोस्तों बनाया है 5th ऑलराउंड वुमेन टाइटल, ठीक है, और मोस्ट डेकोरेटेड जिमनास्टिक है जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर हिस्ट्री में अभी तक है, 25 मेडल जीत चुकी है, 19 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, तो बहुत जबरदस्त इनकी परफॉर्मेंस रही है जिमनास्टिक की, और यूएसए से बिलोंग करती है ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर की दोस्तों, तो टीम के अंदर बात करें तो अभी रिसेंटली आपको मालूम है जो साउथ अफ्रीका की जो रग्बी टीम है ना, इन्होंने क्या जीता था, वर्ल्ड कप है जो कि जीता था, तो इसीलिए दोस्तों ये यहाँ पे विनर घोषित करी गई है। इसके अलावा बास्केटबॉल के अंदर टोरंटो रैप्टर्स थे, लिवरपूल था, है ना, मर्सिडीज एएमजी था, मोटर रेसिंग के अंदर बास्केटबॉल में स्पेन मैन बास्केटबॉल टीम थी, लेकिन कहाँ पे रग्बी टीम को जो है इस बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ब्लैक कैप्टन है जिन्होंने लीड किया सिया ने यहाँ पे और इंग्लैंड को हराया फाइनल के अंदर, और 3rd रग्बी वर्ल्ड कप जो है वो उन्होंने यहाँ पे जीत लिया है दोस्तों, ठीक है। साउथ अफ्रीका के लिए काफी बड़ी सिंबॉलिक विन है क्योंकि ये सारी कम्युनिटीज को एकजुट करता है, काफी वहां पे रग्बी खेला जाता है, तो इसीलिए इस अवार्ड से उनको नवाजा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर की, तो ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के अंदर दोस्तों साइकिलिंग के कोलंबिया के चैंपियन है बर्निल, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। 22 साल की उम्र के अंदर दोस्तों यंगेस्ट टूर दे फ्रांस के चैंपियन रह चुके हैं, 110 सालों के अंदर मात्र 22 साल के अंदर चैंपियन बने, और फर्स्ट कोलंबियन है जिन्होंने ग्रेटेस्ट साइकिलिंग प्राइज जो कि यहां पे जीता है दोस्तों, ठीक है गाइज। बहुत ज्यादा लंबी होती है टूर दी फ्रांस काफी, और काफी स्टेजेस के अंदर जो है वो टूर दी फ्रांस को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, ठीक है गाइज, ध्यान रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आर्मस्ट्रांग भी आपको मालूम है टूर दी फ्रांस से ही जो है वो चैंपियन बने थे, ओके, 21 दिन की लॉन्ग स्टेज के अंदर जो है वो चैंपियन जो है टूर दी फ्रांस के अंदर चुना जाता है, ऐसा नहीं कि एक दिन आपने साइकिलिंग करनी और आप जो है वो चैंपियन बन गए हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। नियर बाय 21 दिन तक स्टेजेस चलती है जो कि 23 दिन तक जो है वो कंप्लीट होती है, मोस्ट प्रेस्टिजियस और मोस्ट डिफिकल्ट जो है बाइसिकल रेस है जो कि मानी जाती है, समझ गए मेरी बात, ध्यान रखिएगा दोस्तों ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइज। और बहुत पुराना है, मतलब अगर मैं बात करूं टूर डी फ्रांस की तो 1903 में पहली बार जो है ना इस टूर्नामेंट की शुरुआत है जो कि करी गई थी, ठीक है, तो ये भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मोस्ट विन की बात करें तो यहाँ पे काफी लोग हैं जिन्होंने 5-5 बार भी जो है वो जीती है दोस्तों, है ना, एक गैरिन करके है, एक मर्कलिस करके है, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने कई बार जीती है इसको। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि एक कमबैक ऑफ द ईयर, जो कि चोट से बाहर हुए या किसी भी रीजन से और फिर वापस आके उन्होंने टूर्नामेंट जीता, कमबैक ऑफ द ईयर, ओके, इसके अंदर सोफिया जो है दोस्तों ये इनको कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया है, मोटर रेसिंग की प्लेयर है, जर्मनी से बिलोंग करती है, ठीक है, आप देख सकते हैं 18 साल की है दोस्तों और फॉर्मूला 3 ड्राइवर है, ब्रेव रिटर्न किया मकाउ ट्रैक के अंदर और एक साल के बाद में एक्सीडेंट हो गया था पिछली बार साल इनका, और उसके बाद में जो है इन्होंने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे दी और 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा ड्राइव करी है तेज इन्होंने और सबको जो है वो पीछे छोड़ दिया है, ठीक है, ठीक है। तो पिछली बार साल इनको काफी जबरदस्त इंजरी हुई थी और उसको रिकवर करके इन्होंने इस बार काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस है जो कि दी है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विथ ए डिसेबिलिटी की, तो ये इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी है जो कि नाम नॉमिनेट करती है और यहाँ पे मास्टर्स करके ओसाना मास्टर्स
यूएसए के क्रॉस कंट्री स्कीइंग किया करते हैं, वो उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है दोस्तों, डिफॉर्मिटी के साथ में ही पैदा हुए थे और रेडिएशन की वजह से सेंडबल जो डिजास्टर हुआ था ना, ठीक है, वहां पर, और 7 साल की उम्र के अंदर और एक ऑर्फनेज के अंदर जो है इनको अडॉप्ट किया गया। उसके बाद में इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जो है जीते हैं, सिल्वर मेडल जीता वर्ल्ड पैरा नॉर्डिक स्कीइंग चैंपियनशिप के अंदर, क्रॉस कंट्री के अंदर भी वर्ल्ड टाइटल जीता। तो काफी जबरदस्त प्लेयर है, आप इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऑर्फनेज थे, 7 साल की उम्र में इनको अडॉप्ट किया गया यूक्रेन के अंदर, डिफॉर्मिटी के साथ में बॉर्न हुई है, और उसके बाद में भी आप देख सकते हैं काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस। ठीक है गाइज, इसके अलावा एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें तो किम करके स्नोबोर्डिंग की यूएसए की प्लेयर है, वो इस बार स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर एक्शन कैटेगरी के अंदर इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। और काफी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, 19 साल की है और 5 बार गोल्ड मेडल है जो कि जीत चुकी है दोस्तों। स्नोबोर्डर है ना, स्नोबोर्ड करते हैं ना, स्नोबोर्डिंग वो करती है ये। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के लिए एक बड़ा अचीवमेंट क्योंकि स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2011 के अंदर वर्ल्ड कप जीता, जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर ने टीम के अंदर जो है पूरी तरीके से एक जुटता थी कि सचिन को जो है वो विदाई से पहले वर्ल्ड कप जो है वो जरूर जिताना है। तो वो इंसिडेंट आपको सभी को याद है और स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर पिछले 20 साल का इसको माना जाता है दोस्तों। इसके अलावा स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड जो है वो साउथ ब्रॉन्क्स यूनाइटेड है, फुटबॉल टीम के प्लेयर है यूएसए के, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो ड्रिक करके प्लेयर है बास्केटबॉल के जर्मनी के, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अकेडमी एक्सेप्शनल अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो स्पेनिश बास्केटबॉल फेडरेशन जो है दोस्तों, स्पेन की बास्केटबॉल की टीम, उनको अकेडमी एक्सेप्शनल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण सेशन जिसमें हमने बात करी स्पोर्ट्स पर के अवार्ड के सबसे बड़े लॉरेंस स्पोर्ट्स अवार्ड की। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अनअकैडमी पे कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप BHU NESS बुनेस्टन यूज कर सकते हैं रेफरल कोड 10% ऑफ और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस आपको यहां पे मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो होपफुली कि आपको सेशन में मजा आया होगा, काफी कुछ आपने सीखा होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके एग्जाम में ये वीडियो जो है वो काफी हेल्प करेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।